शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी हमारे बेटे की विधवा है और उसके साथ भी वही होगा जो एक विधवा के साथ होता है। बाहर जो कुछ भी हुआ हम कुछ नहीं कर सके। तो हमेशा हम सबकी ढाल बनकर खड़ी रहती है, बट आज हम तुम्हारी ढाल नहीं बन सके। प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी। आज अगर बाबा यहाँ होते ना, ये सब होने ही नहीं देते तुम्हारे साथ। माँ हमेशा हमेशा ये सब तुम्हारे साथ क्यों करती है पता नहीं। आज तुम्हारे हद कर दी। मैं तो समझ में नहीं आता माँ तुम्हारे साथ ही ऐसे क्यों करती है। हम बचपन से लेकर आज तक देखते आए हैं, हमेशा तुम्हारे साथ गलत करती है। बाकी सबके लिए उनके दिल में प्यार है, पर तुम्हारे लिए इतनी नफरत क्यों? हमने आज जो किया वो सही नहीं किया। हमने सबके सामने अपने दिल पर पत्थर रख के सबके सामने झूठ बोला कि हमने मान लिया है कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा बेटा जिसके लिए हम जीते हैं उसके लिए इतना सब कुछ हो गया। सिर्फ उस आशी को बेइज्जत करने के लिए। नहीं बेटा, हमने सही नहीं किया। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुणाल हमें माफ कर दो बेटा। हम कभी मान ही नहीं सकते कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। हमें पूरा यकीन है बेटा कि तुम वापस आओगे। हम करेंगे बेटा तुम्हारा इंतजार। काकी माँ ने हमेशा वो किया है जो उनको सही लगा है, और वो जानबूझकर हमारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। सबकी सोच, सबका दर्द अलग अलग होता है निधि। जरा सोच, एक बच्चे को खोकर उस माँ पर क्या गुजरती होगी। निधि, जिस दर्द से काकी माँ हर रोज गुजरती है ना, उस दर्द को ना तुम समझ सकती हो और ना ही हम। काकी माँ ना हर रोज सिर्फ इसी आस के साथ जीती थी कि उनका बेटा वापस आएगा। अब उनकी आस टूटने पर वो कितना टूटी होगी सोच नहीं थी। तुझे पता है क्या, ऐसा कहते कि दुनिया बस उम्मीद पे टिकी है। हर इंसान यहाँ किसी न किसी उम्मीद के सहारे जी रहा है। काकी की तो उम्मीद ही खत्म हो गई। कैसे जिएगी निधि, कैसे जिएगी? कमाल की है तू आशी। इतना सब कुछ हुआ तेरे साथ, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, फिर भी अभी भी तुझे माँ की पड़ी हुई है। इतने सालों से तू मर मर के जी रही है और अभी भी तुझे माँ की जिंदगी की फिक्र है कि वो कैसे जिएंगी। तू ना इस दुनिया की ही नहीं है, तू इंसान भी है या तेरे सीने में दिल नहीं है बता मुझे। तुझे कभी दर्द नहीं होता? तुझे कभी कुछ फील नहीं होता अपने लिए? आशी, ये दुनिया तेरी जितनी अच्छी नहीं है। सब अपने मतलब का सोचते, अपने फायदे का सोचते, तो तू क्यों नहीं सोचती है? कभी नहीं सोचेगी, जानते हम तू कर ही नहीं पाएगी। तू है ही इतनी अच्छी, इतनी साफ, इतनी नेक दिल। अब समझे, सिड को तेरी इसी सादगी और मासूमियत से प्यार हो गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो आशी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आशी की बात नहीं है, कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसे गलत कैसे कर सकता है? हमारी सोसाइटी किसी लड़की के साथ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझती क्यों? नहीं विकास, क्यों आज भी हमारी सोसाइटी ये पुराने नीति नियमों पे चल रही है? क्यों? शांत हो जा प्लीज। बेटा, अब इस सब में हम आशी की कोई मदद नहीं कर सकते। ये जो हमारा समाज है ना, पुरुष प्रधान है, और हमारे समाज में
हमेशा औरतों को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वो सही हो सच्ची हो तो भी उन्हें एकदम चुप रहना पड़ता है। ये समाज और इसके नीति नियम इसी पर चलना पड़ता है। पापा, ये समाज भी तो हम मर्दों ने ही बनाया है ना, तो क्या हम सब मिलके ये नीति नियम नहीं बदल सकते, नए नीति नियम नहीं बना सकते, इस सोसाइटी को एक ऐसा रूप नहीं दे सकते जहां लड़की हो या लड़का दोनों इक्वल, इक्वलिटी हो। लेकिन उस घर में देखा ना आपने कैसे हैं वो लोग, क्या किया उन्होंने आशी के साथ, क्या क्या ये सही है पापा? इधर आओ, यहां बैठो। बेटा, ये बात गलत है, बहुत गलत है। हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। नहीं नहीं, ये गलत है। तू कर क्या रहा सिट? देख, आशी के साथ जो भी हुआ उस बात का हम सबको बुरा लगा, लेकिन तुझे इतना दर्द क्यों? तेरी शादी तो गीत से हो रही है ना, फिर तेरी आंखों में आशी के लिए इतना प्यार? अगर तुझे आशी से इतना ही प्यार है, इतना ही लगाव, उसकी इतनी चिंता हो रही है, तो फिर गीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अगर प्यार आशी से है तो फिर शादी किसी और से क्यों? हमने जो सुना वो सही? तुम सच में आशीष है? यार, हमें तो इस बात की भनक तक नहीं थी। हाँ, ये सच है कि सिड आशीष से प्यार करता है। लेकिन ये भाई साहब गीत से शादी कर रहे हैं। यार प्लीज, यार भाई प्लीज, मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दे ये पागलपन, मत कर अपनी जिंदगी बर्बाद। अरे यार, अभी से तेरी ये हालत है तो शादी के बाद तू आशी के बिना कैसे रहेगा, कैसे जिएगा? प्यार के बिना जिंदगी बेकार है मेरे भाई। अगर प्यार उससे करता है तो शादी भी उसी से करना। समाज बदलने की क्या बात करता है, पहले खुद को बदल, खुद का फैसला बदल, खुद की दुल्हन बदल, उसके बाद समाज बदलने की बात करना। ये क्या वसात है, जैसे देखो मेरी और सिट की शादी तुड़वाने में लगा है, सब बस आशी को सिट के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्यों कर रहा है सब? अपने दिल की बात सुन, अपने दिल के कहने पे चल। कैसे कहूं अपने दिल की बात, तू जानता है ना ऐसे है वो लोग। एक जरा सी तस्वीर क्या देख ली थी, एक छोटा सा शक, आशी की जान लेने पे आ गए थे वो लोग। अगर मैं अपने दिल की बात करूंगा, शादी के लिए जाऊंगा, शादी की बात करने पहुंच जाऊंगा, तो तेरे को लगता है उसे छोड़ देंगे, वो जान ले लेंगे उसकी? सेठ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुमने उस छिपकली में ऐसा भी क्या देखा जो उससे इतना प्यार। कोई नहीं, जहां मेरे प्यार की कदर नहीं है वहां मुझे कदर बनानी आती है। मैं आशी का नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सब बर्बाद कर दूंगी। अरे भाई साहब सुनिए जी, वो कई साल पहले यहाँ पर नवजीवन परिवार का दफ्तर हुआ करता था, अभी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। कैसे दिखेगा भाई साहब, वो तो यहाँ से 4-5 साल पहले शिफ्ट हो गए। क्या? अच्छा, अब उस दफ्तर में काम करने वाले किसी भी आदमी का कुछ आता पता आपको कुछ बता सकते हैं आप? कुछ पता नहीं। आशी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है। देखो जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ गीत, बस इतना याद रखो कि आज तुम्हारी मेहंदी और कल तुम्हारी हल्दी थी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं गीत, हम तुमसे नाराज क्यों होंगे? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मेरी मेहंदी की रस्म पूरी करो, मेरे हाथों में मेहंदी से सिट का नाम लिख दो।
नहीं गीत, हम ये नहीं कर सकते गीत। नहीं, मेरे हाथों में मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। देखो आशी, जब तक तुम मेरे हाथों में मेहंदी से सिट का नाम नहीं लिखोगी ना, मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। और फिर तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम सिट से प्यार नहीं करती हो। तुम्हारी नाक के बाद ही मैंने सिट से शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन अगर तुम मुझे मेहंदी नहीं लगाओगी तो मुझे तुम्हारी नाम में शक नजर आएगा। अगर तुम्हें मेरा शक खत्म करना है, तुम्हें सच में सिट से प्यार नहीं है ये साबित करना है, तो लिख दो सिट का नाम मेरे हाथों में। वरना मैं ये समझूंगी कि तुम अभी भी सिट से प्यार करती हो। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगी। सोच लो आशी, या तो तुम मेरे हाथों में सिट का नाम लिख दो, या फिर मैं तुम्हारी और सिट की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मर्जी तुम्हारी है। संभाल के भाई। यार मुझे आशी के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। कल उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, नीचे कैसे आएगी वो? उसका तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा ये मेहंदी के फंक्शन में आने का। यार पता नहीं क्यों तेरा इस तरह से शादी करना कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा जैसे कहीं कुछ तो गलत है। इतनी देर हो गई, सब लोग नीचे आ गए, आशी अब तक क्यों नहीं आई है? अगर वो नहीं आई तो मैं अपने प्लान को अंजाम कैसे दूंगी? जिसका इंतजार था वो आखिर आ ही गई। अमृता आंटी। हाँ बेटा। वो आपसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है, हम क्यों बुरा मानेंगे? बोलो। वो आशी इस तरह से सफेद कपड़ों में, मतलब अब तो वो विधवा है ना, तो उसका इस तरह से शादी के फंक्शंस में आना, अब मतलब शगुन का माहौल है, कुछ अपशगुन ना हो जाए। अब आई है तो कुछ सोच के ही आई होगी, बस सब शुभ शगुन हो तो अच्छा है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे। इतनी सुंदर कन्या फिर भी कितनी कड़क लग रही हो। सही है ना, सिंपल भी और सुंदर भी। कसम से बताए आंखें जब चमक गई हमारी तो। अरे क्या कहर मचा रखा है? दिमाग ठिकाने पे है या कहीं बेच कर आई हो तुम? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? होश में तो हो तुम? ये क्या कपड़े पहने तुमने? सफेद साड़ी,
विधवा हो तुम। तुम जानती हो ना, इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि एक विधवा के अपशगुन कदम शादी के शुभ रस्मों में नहीं पड़ने चाहिए। अरे विधवा की तो परछाई भी होने वाली सुहागन के सर पे नहीं पड़नी चाहिए। हमारी खुशियां तो निगल ही चुकी हो तुम, अब क्या दूसरों की खुशियां निगलने आई हो? अब खड़े खड़े यहाँ हमारी शक्ल क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकलो। आंटी जी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? कैसी दकियानूसी बातें कर रही, और आज के इस नए जमाने में पुरानी सोच कौन रखता है ऐसे? वो क्या है ना बेटा, जब बात शगुन अपशगुन की होती है तो सोच अक्सर पुरानी हो जाती है, और हम तो इसे पुरानी सोच भी नहीं कहेंगे, ये पुरानी परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। और बेटा बस दो चार दिन की तो बात है, उसके बाद तुम्हारी और गीत की शादी हो जाएगी। क्या है कि गीत को हमने अपनी बेटी माना हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि उसकी शादी में कोई अपशगुन हो और उसकी आगे की जिंदगी खराब हो। तो बस शादी तक बर्दाश्त कर लो। एक बार गीत की शादी हो जाए, उसकी विदाई हो जाए, उसके बाद तुम्हें हमारी नख्यानों से बातें, हमारी पुरानी सोच सुननी नहीं पड़ेगी। आशी। अरे सिड बेटा, तुम्हारी उंगली खाली, सगाई की अंगूठी कहाँ गई? आंटी जी मेरी वो रिंग। अब सिड की रिंग मेरे पास है। एक्चुअली सिड की अंगूठी का जोड़ खुल गया था, तो उसने मुझे ठीक कराने के लिए दी थी। मैंने ठीक करा दिया है, बस सिड को ही देने आ रही थी। ये लो सर। अब गीत मुझे लगी है, मैं पहन लूंगा। चलो भाई चलो, बहुत हो गया हंगामा ड्रामा, मेहंदी की रस्म शुरू करें। हाँ। आओ बेटा बैठो। विधवा हो तुम जानती हो ना, इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि एक विधवा के अपशगुन कदम शादी के शुभ रस्मों में नहीं पड़ने चाहिए। हमारी खुशियां तो निगल ही चुकी हो तुम, अब क्या दूसरों की खुशियां निगलने आई हो? चली जाओ यहां से, निकलो। ये लो आशी, मैंने तुम्हारे हाथ में सिट के नाम की मेहंदी लगाई थी। अब ये मेहंदी ऐसा रंग लाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरे मेरी शादी से ज्यादा तो तुम्हारी मेहंदी के ढोल बजेंगे, और बचाने वाली होगी गीत। सिट कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है ना, पति के प्यार का रंग भी उतना ही गहरा मिलता है। और देखो मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी, इस मेहंदी का रंग जितना गहरा है ना, तुम्हारे प्यार का रंग भी उतना ही गहरा चढ़ा है मुझ पर। आई लव यू सिट।
अरे ये क्या, सिट का नाम तुमने भी अपने हाथों पे लिखवा लिया? ये नाम तो तुम अभी खुद आशी के हाथ पे लिख के आई हो, मतलब तुमने अपने हाथों से अपनी किस्मत आशी के हाथों के लकीरों में लिख दी। फिर अब किस बात की खुशी? हाँ खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने सिट का नाम आशी के हाथ पे क्यों लिखा? यही सोच के कि उसकी किस्मत से सिट का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। मतलब ये कि आज जब आशी सिट के साथ भागने की कोशिश करेगी तो ये सभी घर वाले उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, और उसके हाथ में जो मेहंदी है सिट के नाम की, वो ये बात डंके की चोट पे साबित कर देगी कि वो सभी को धोखा दे रही है, कि उसके दिल में सिट के लिए प्यार है। और फिर जो उसकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वाह, मानना पड़ेगा क्या चाल चली है, क्या शैतानी खुराफाती दिमाग पाया है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये चाल चलने से पहले तुमने सोचा कि इसके बाद क्या होगा? मतलब उसके पत्थर दिल घर वाले, उसकी कट्टर सास और उसका बेदिल बाप तो उसे जान से ही मार डालेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे लोग मिलके उसे जान से मार डालें, उसका किस्सा खत्म कर दें। अब मैं आशी की मौत चाहती हूँ, मेरी सिट की हम सबकी जिंदगी से उसका खेल खत्म करना है मुझे। आशी तुमने मेहंदी लगाई है, दिखाओ तो जरा, दिखाओ मुझे भी तो दिखाओ, दिखाओ ना। सिट का नाम तुमने मेहंदी से सिट का नाम लिखा है? नहीं गीत, गीत गीत प्लीज हमको गलत मत समझना, हमने मेहंदी नहीं लगाई है, हम तो जानते भी नहीं कि मेहंदी हमारे हाथ में कैसे लगी। गीत सच में ये भक्ति से निधि की शरारत होगी, गीत हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमारा यकीन मानो, हम नहीं जानते सब कैसे कब। मैं जानती हूँ आशी, अब तुम इसे भगवान का इशारा समझो या फिर किस्मत का लिखा, पर शायद होनी तो यही है, वरना तुम खुद बताओ सिट का तुम्हें इस तरीके से मिलना, तुम दोनों का बार बार टकराना, न जाने कितनी बार सिट का तुम्हारी जान बचाना, तुम्हें हर मुसीबत से निकालना, और कल सिट के नाम की हल्दी तुम्हें लगना, और फिर अभी ये मेहंदी से सिट का नाम तुम्हारी हथेली पर आना, ये सब भगवान का इशारा ही तो है आशी, वो भी कहना चाह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, सिट की किस्मत में मैं नहीं तुम लिखी हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो आशी। क्या कह रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता, पर मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि किस्मत में तो कुछ और ही होनी लिखी है, जोड़ी तो किसी और की ही बननी है। सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और ये बात तुम्हारे हाथों की लकीरों ने भी साबित कर दी है आशी, कि सिर्फ तुम्हारा भाग्य है, और मैं तुमसे तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकती, तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती हूँ। यही सही वक्त है आशी, भगवान का इशारा समझो, अपने भाग्य का संकेत सुनो, अपने हाथों की लकीरों को देखो, इन हाथों में सिट का हाथ थामो और जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इतना मत सोचो आशी, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, सिर्फ इम्तिहान लेती है, और तुमने तो इम्तिहान का दरिया पार कर दिया है, अब जब मौका मिल रहा है तो अपनी किस्मत बदल लो, तुम यहाँ रह करके अपनी जिंदगी कभी नहीं संवार पाओगी, देखो अपनी जिंदगी का ये सफेद रंग, यहाँ रहोगी तो बेरंग ही रहोगी। तुम अमृता आंटी को नहीं जानती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है जो उन्होंने कल करने की कोशिश की वो वापस नहीं करेंगी?
अमित अंकल से डर जाएंगी, उनकी बात मान लेंगी। नहीं आशी, तुम तो जानती हो ना कि अमित अंकल की भी अमृता आंटी के सामने नहीं चलती है। अमृता आंटी जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही रहती है। तुम्हारा क्या हाल होगा सोचा है? अपने दिल की बात सुनो। तुम सिद से प्यार करती हो तो तुम भाग जाओ उसके साथ। हाँ आशी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ आशी जाओ, प्लीज। आशी, माँ माँ मेरी बात तो सुनो। आंटी देखे ना, मेरे हाथों में बहुत इचिंग हो रही है, शायद वो मेहंदी ने कुछ रिएक्शन कर दिया। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए सरसों का तेल लेकर आते हैं, उससे खुज भी चली जाएगी। हाँ जरा रुको, दो मिनट। ठीक है आंटी, मैं वहां हॉल में ही रहूंगी नीचे। अरे बाप रे, पैर में मोच आ गई। माँ हो, मोच को तुम क्यों नहीं आ गई? माँ मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है। ये देखना, इसे मोच आई है। माँ ये तो गिरते रहती है, आप मेरे साथ चलो, मेरी ज्वेलरी ढूंढ के दो, वरना मैं शादी में क्या पहनूंगी। बोलो आशी, बोलो बोलो सिद को कि तुम उसके साथ भागना चाहती हो। यहाँ तुमने सिद को बोला और वहां मैंने अमृता आंटी के सामने अपना मुंह खोला, क्योंकि मेरे सिर को तो पता भी नहीं है कि तुम क्या कहने वाली हो। वो बेचारा तो सारी खबरों से अनजान है। इसे कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं तो सिर्फ अमृता आंटी का वेट कर रही थी, उनके जहर का कहर मचने का वेट कर रही थी, और यहाँ तो भगवान जी ने जहर का पूरा भंडार दे दिया। विनोद अंकल तो बिना किसी जांच पड़ताल के ही आशी की जान ले लेंगे, मजा आएगा। आशी मैं ये क्या, मेरी लिखी कहानी में ये कैसा ट्विस्ट है? क्या हुआ आशी, ये सब क्या है? फोन करके यहाँ क्यों? हमें गांव जाना है। इतने साल बीत गए, अपना घर, अपनी बेटी को देखे हुए। बाबा प्लीज हमें वापस ले चलिए, हमारे घर हमारे गांव, प्लीज बाबा। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। अब जो कुछ भी है यही है। अगर तू यहाँ से गई तो सबको क्या लगेगा? कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तो गुस्से में ससुराल छोड़कर जा रही है, फिर क्या होगा? इस घर की बदनामी, और यह बदनामी हम होने नहीं देंगे। तुझे क्या लगा तुम बोलोगी और हम तुम्हें अपने साथ गांव लेके जाएंगे? हम गांव के मुखिया हैं, अगर हम तुम्हें गांव लेके गए तो सबके मुंह खुलेंगे, हजारों सवाल उठेंगे। नहीं आशी नहीं, जिस समाज ने हमारे माथे पे हमेशा तिलक लगाया हो उस माथे पे हमें कलंक नहीं चाहिए। पर बाबा बस जो कह दिया सो कह दिया।
यू विनोद अंकल, मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। पर जो भी हो, मैं साशी को तो नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद लड़के के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। जिस समाज ने हमारे माथे पे हमेशा तिलक लगाया हो, उस माथे पे हमें कलंक नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पे? इतनी सुबह सुबह कौन कुल्फी खाता है? मैं खाता हूँ। सिड और आशी की लव स्टोरी में तो ब्रेक ही नहीं लगा, खत्म ही नहीं हो रही है। इस बार तो तुम बच गए आशी, लेकिन कब तक बचोगे? शिकारी जब शिकार के पीछे लग जाता है ना, तो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका शिकार न कर ले। और तुम्हारा वो शिकार करूंगी मैं। अपनी विदाई से पहले तुम्हें इस घर से विदा करके रहूं। फूल रखो, अब तक रखा क्यों नहीं है? और ये क्या है? पूजा की सामग्री नहीं आई अब तक? हाँ, पंडित जी आ गए, मेहमान आने वाले। शादी आज ही है, कल परसों नहीं है। जाओ, क्या जी अभी? एक हमारे पति परमेश्वर, पता है शादी वाला घर है, आज ही शादी है, लेकिन नहीं, आज के दिन ना इन्हें स्टोर पे जाना बहुत जरूरी था। जी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। मिठाई वाले को तो फोन करना ही भूल गए हम। अमृता सिस ने जो धुआंधार तैयारियां की है ना, देख के आनंद आ गया। हाँ, वो तो है कामिनी जी, खुद का दुख भुला के सिर्फ हमारी बेटी की खुशियां सजाने में लगी है। सुंदर लग रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से हूर परी उतर आई हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी गीत एकदम कोरी जींस लग रही है ना? वाह जी, गॉर्जियस। शेम टू शेम। अच्छे लग रहे हो सेट। अरे, उसे ऐसे ही घूरते जाओगी? अभी मुहूर्त को थोड़ा सा टाइम है, तुम आओ हमारे साथ आओ। चलो सेट। बेटा तू तैयार है ना? जी बाबा। सेट, हम आप भी कह रहे हैं, तू ये जो भी कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ सिद, विकास जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। सिद भाई, हमने आपको भैया माना है, और अपने भाई के साथ ये सब होते हुए हम नहीं देख सकते। अभी भी टाइम है, प्लीज सोच लो भाई। अभिमन्युस्तु तो गर्भे दिव्य ज्ञान ही तो शुरू।
ये फोटो इस फाइल में है। आशी को इस घर से निकालने का मिशन शुरू होता है अब। ठीक हो? हाँ, पता नहीं वो कंचे कैसे। हाँ, हाँ? तुमने कुछ कहा? शादी मुबारक हो से। ये सब क्या था आशी? क्या हुआ गीत? चल क्या रहा है? हाँ, देखा मैंने, सब देखा। बेवकूफ नहीं हूं मैं आशी, सच क्या है सब नजर आता है मुझे। तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ, इतना बड़ा धोखा, इतना गंदा खेल, मेरे जज्बातों का मजाक क्यों उड़ाया आशी? हाँ, क्यों उड़ाया, क्यों आशी? गीत ऐसा, गीत, गीत ऐसा कुछ नहीं है। गीत रुको, गीत हमारी बात सुनो, हमारी बात समझो गीत, हम सच कह रहे हैं, हमारे दिल में सिद के लिए कुछ भी नहीं है। और सिद के दिल में ये देखो गीत, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? रैशेस? हो गया काम। सिद के नाम की मेहंदी लगाई थी मैंने कल, और उसी मेहंदी से मुझे एलर्जी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने ये मेहंदी नहीं मिटाई। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरे प्यार के नाम की मेहंदी है। बहुत प्यार करती हूँ मैं सिद से, जानती हूँ सिद के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, उसके लिए तो ये शादी भी बस एक मजबूरी है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी मोहब्बत है ना। आई नो, वो ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी जान पे उसके नाम का खतरा है। सब समझती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। वरना तुम खुद बताओ, अपनी मोहब्बत को किसी और के प्यार में तड़पता देख के कितना दर्द होता होगा मुझे। सब बर्दाश्त किया, करती आई हूँ, बस एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लेकिन कि प्लीज संभालो अपने आप को, उसकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जानती कि वो ये रिश्ता निभाएगा या नहीं, कि वो कभी मुझे प्यार देगा या नहीं, कि वो कभी तुम्हें भूल पाएगा या नहीं। ये सब
जानने का हक तो है ना मुझे? आशी, मुझे एक मैसेज टाइप करना है, लेकिन मुझे राशेस हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम प्लीज मेरे लिए एक मैसेज टाइप करोगी? हाँ जी, बोलो। मेरा फोन इधर ही होगा। कि तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। देखो आशी, मेरी शादी होने वाली है और मुझे शादी से पहले अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इस फोन के भरोसे नहीं रुक सकती मैं। प्लीज प्लीज मेरे लिए लेटर लिख दो। वो नोटपैड और पेन उधर रखा है। अच्छा ठीक है। बोलोगी? हाँ लिखो। सिर्फ मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। और आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं चाहे लाख इनकार कर लूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, लेकिन ये सब कुछ झूठ होगा। सच्चाई तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। जिंदगी ने मुझे बहुत आंसू दिए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन आंखों को जो खुशी दे सकता है वो सिर्फ तुम हो। मुझे अब किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारी पत्नी बनना है। बस ये जानना है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूं, तो बस अपना जवाब दे दो, मुझे इंतजार रहेगा। खेलोगी? थैंक यू सो मच आशी, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अब बस आई होप कि मुझे पता चल जाए कि सिद के दिल में क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा गीत, हम चलते हैं। ये जो प्रेम पत्र लिखा है तूने, तुझे पता भी नहीं है कि मेरी शादी की कहानी में ये तेरी बर्बादी की निशानी है। मजा आ गया, मानना पड़ेगा। दुनिया में एक पहला इंसान होगा जिसने खुद की बर्बादी का फरमान खुद अपने हाथों से लिखा है। क्या लगा आशी, ये लेटर मैंने सिट के लिए लिखवाया था? अरे ये दीवाना तो लेटर पढ़ते ही समझ जाता कि तुम हो, और एक पल में ये शादी छोड़ के मुझे छोड़ के तुम्हारे पास चला जाता। पर मुझे तो तुझे तोड़ना है आशी, करना है तेरा काम तमाम, इसीलिए ये लेटर लिखवाया तेरे बवाल बाप के नाम, जो एक सेकंड में फैसला लेगा और अगले ही सेकंड में तुझे इस दुनिया से विदा कर देगा।
तो आई एम श्योर आशी इस घर से पक्का बाहर जाएगी। इस लेटर को पढ़ने के बाद उसका बाप सिर्फ जुबान से ही नहीं हाथों से मार मार के लेके जाएगा, कहीं जान से ही ना मार दे। ये विनोद अंकल अंदर क्यों जा रहे और वो भी इतने गुस्से में, हुआ क्या है? विधवा हो तुम, इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि एक विधवा के अपशकुन कदम शादी के शुभ रस्मों में नहीं पड़ने चाहिए। शादी के बाद लड़के के लिए उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। बाबा ने सही कहा, हम ऐसे इस घर से नहीं जा सकते। हम अपने अमित बाबा के आने का इंतजार करेंगे और अगर वो हमें इजाजत देंगे ना तभी हम अपने गांव जाएंगे। ये अंकल को क्या हुआ है? शादी के बीच से उठ के ऐसे क्यों जा रहे? गंदी जबान से हमें बाबा मत बुला। बस ये बता ये पत्र तुमने लिखा है? लेटर तो ये पत्र तुमने लिखा है बाबा? ये लेटर तो बस लिखा है या नहीं? लेकिन बाबा बस ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्तले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम। और वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ससुराल में बवाल मचा ही दिया, मतलब जो हमने सुना था वो सब सच है। क्या कहा था तुझे? कर के इज्जत, बेइज्जत ना हो तो कैसे कर दी? इस घर के नाम पे दाग क्यों लगा दिया? अरे इस घर ने तुझे बहू नहीं बेटी माना, इतने साल तुझे पाला पोसा, आस्तीन का सांप पाला था क्या? जो मौका मिलते ही डस दिया, तेरा कलेजा नहीं कांपा, तेरी आंखों में लज्जा नहीं आई? हम जिसने आज तक अपने नाम पे एक छींटा तक नहीं लगने दिया और तूने हमारे नाम पे दाग लगा दिया, इसकी सजा मिलेगी। क्या कहा था? सर कट जाए पर मान न झुकने पाए, और तुमने हमारा मान झुका दिया, अब तुम्हारा सर भी काट देंगे। बवाल मचा देगा अगर बीच में आई तो। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मुबारक हो से। नारायणी
तेरा इंसाफ करेंगे, तुझे ऐसा मारेंगे कि बदनामी की आग और सर पे लगा दाग सब खत्म। सोचा था अफवाह है लेकिन नहीं, ये सब सच है। तेरा उस लड़के के साथ चक्कर है, प्यार करती उससे, प्यार करती उससे, प्यार करती है। चल रेणुको मैं तुम्हारी, मैं प्यार करता हूं आशी से। लेकिन आशी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। चाल उल्टी कैसे पड़ गई? आशी को छोड़ के मेरे सेट को क्यों मार रहे हैं? लगता है बुड्ढे का दिमाग सटक गया है, मुझे इसे रोकना होगा। अंकल जी प्लीज रुक जाइए। प्लीज सेट को छोड़ दीजिए। ए लड़की तू बीच में मत आ, सब समझते हैं, ये सब तुम सबकी चाल है। और लड़के क्या कहा तुमने, ये तुझसे प्यार नहीं करती है? ये क्या है? अगर हमारी आंखें कमजोर है तो अपनी आंखों से देख, क्या ये? अंकल ये लेटर आशी ने नहीं मैंने लिखा है। कहा ना चुप, हम बेवकूफ हैं, हमारी नजर कमजोर है, बेटी की लिखावट नहीं पहचानते। ये पत्र इसी ने लिखा है और तुम सब इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। क्या चल रहा है ये सब, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? तुम और सिद्ध कौन सा गंदा खेल खेल रहे हो शादी का? खोखली है ये शादी, दिखावा और छलावा है ये शादी। इसलिए तो वो है जो तुम दोनों छुपा रहे हो, सिद्ध और आशी का प्यार। मैंने कहा ना मैं आशी से प्यार करता हूं, आशी मुझसे प्यार नहीं करती। और जो हुआ उसमें आशी की कोई गलती नहीं। अच्छा तो आशी की कोई गलती नहीं है, सब गलती तुम्हारी है, मतलब सारी गलतियों की जड़ तुम हो। तो ठीक है, सबसे पहले तो इस जड़ को ही काट देता हूं। इतनी कटिया हरकत तुमने कैसे की? आशी हमारी बेटी नहीं, इस घर की बहू है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस घर पे बुरी नजर डालने की? रुक जाओ। छोड़ेंगे, आज हम इसकी जान ले लेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। ना तो ये शादी हो सकती है और ना ही तुम इसकी जान ले सकते हो। क्या मतलब? सिर्फ गीत से तो क्या किसी और लड़की से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। और तुम भी इसकी जान नहीं ले सकते, क्योंकि एक बाप कभी भी अपने बेटी के पति को नहीं मार सकता, उसे विधवा नहीं कर सकता। बकवास करते हो अमित, होश में तो? हाँ, अब होश में आ गए हम। पहले हम भी नहीं समझे थे, लेकिन
अब हम भी समझ गए और आप सबको समझाने आए हैं कि जिस लड़के के खून के प्यासे तुम हो रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा है, हमारा कुणाल है। हाँ ये सच है, ये कोई और नहीं है, ये हमारा हमारा बेटा कुणाल है, सिद्धि कुणाल है। हाँ विनोद, हम सच कह रहे हैं, ये लड़का कोई गैर नहीं है बल्कि हमारा अपना बेटा है। कुणाल, कुणाल भाई, कुणाल। वाह क्या चाल चली है, मानना पड़ेगा आशी के लिए आपके इस महान प्यार को आज हम भी सलाम करते हैं, सर झुकाते हैं। आपको क्या लगा था कि आप हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? कैसी बात कर रही? सच सच कह रहे हैं। आपको पता था ना कि ये लड़का सिड आशी से प्यार करता है, आपको ये भी पता था कि आशी इस लड़के से प्यार करती है, तो क्या लगा था आपको कि हम अपनी लाडली बिटिया का प्यार उसे दे देते हैं? इसीलिए किसी भी एरे गहरे नथु खेरे लड़के को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया कि ये हमारा बेटा कुणाल है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आशी के लिए आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो पट्टी ये सब करवा रही है आपसे, ये घटिया काम। एक बार नहीं सोचा आपने, एक बार नहीं सोचा आपने कि ये क्या कर रहे हैं आप? ये शादी रोकने के लिए आपने इतना बड़ा ढोंग रचाया, इतनी नौटंकी की, इतनी घटिया कहानी बनाई। तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं ना, लेकिन अगर हम तुम्हें कुछ दिखाएं तो आंखों देखी पर तो यकीन करोगी? एक मिनट, ये कुर्ता याद है तुम्हें? ये तो झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे कुणाल का कुर्ता। ये वही कुर्ता है जो शादी वाले दिन कुणाल ने अपनी शेरवानी के अंदर पहन रखा था, वही है ये। याद है? नहीं, ये हमारे हमारे कुणाल का कुर्ता है। लेकिन कुणाल के कुर्ते से सिद का क्या लेना देना? कुर्ता दिखा देने से सिद कुणाल नहीं बन जाएगा। एक मिनट, शर्मा जी। जी शर्मा जी, आपको याद है आपने सगाई वाले दिन हमें एक लॉकेट दिखाया था जो आपको कुणाल के पास से मिला था, जो आपने उसे गोद लिया था? हाँ। वो लॉकेट है आपके पास? हाँ जी। दिखाइए। इसको तो पहचानती हो, ये वही लॉकेट है ना जो हमने कुणाल के लिए बनवाया था और बचपन में हमने उसके गले में डाला था, और ये शर्मा जी को कुणाल के गले में मिला था तब जब उन्होंने कुणाल को गोद लिया था एक आश्रम से, ये उसके गले में था। जब शर्मा जी ने हमें बताया ना कि ये उन्हें कुणाल के गले में मिला था, तो पहले तो हमें बात समझ में नहीं आई कि सिद्ध के पास ये कुणाल का लॉकेट कहाँ से आ गया। हमें थोड़ा सा शक भी हुआ, तब हमने पता करने की कोशिश की, फिर हम उस सुनार के पास गए जिस सुनार से हमने ये लॉकेट बनवाया था। मुझे पहचाना आपने?
चौधरी की आंखें इतनी कमजोर कैसे हो गईं काका? उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों का नंबर भी बढ़ जाता है अमित बाबू। दिन सुनार से पूछा कि याद है उसने एक लॉकेट बनाया था, तब उस सुनार ने हमें बताया कि उसने उसने उस वक्त सिर्फ एक एक एक, एक ही लॉकेट बनाया था। उसने ऐसे डिजाइन का दूसरा और कोई लॉकेट नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही लॉकेट था जो जो हमारे सिद का था। ये वही लॉकेट है, ये हमारे सिद का लॉकेट है। फिर उसके बाद हमने हमने शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी वो कौन सा आश्रम था जहां से आप सिद्ध को गोद लेकर आए थे? उन्होंने हमें वो पता दिया। हम वहां उस आश्रम भी गए, लेकिन वो आश्रम वहां से शिफ्ट हो चुका था। कई साल पहले यहां पर नवजीवन परिवार का दफ्तर हुआ करता था, अभी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। कैसे दिखेगा भाई साहब, वो तो यहां से 4-5 साल पहले शिफ्ट हो गए। हमने कहां नहीं ढूंढा, हमने बहुत कोशिश की और बड़ी मुश्किल से जाके हमें उस आश्रम का एक दफ्तर मिला। हम वहां गए, वहां एक आदमी मिला तो हमने उसे दिखाया सब कुछ, उसे पूछा तो उसने जो कुछ भी हमें वहां बताया ना, हमारी तो जिंदगी की तकदीर ही बदल गई। हमें हमारा खोया हुआ बेटा, हमें खोया हुआ बेटा मिल गया था। ये फोटो किस बच्चे की आप बता सकते हैं क्या? शर्मा जी ये फोटो इस फाइल में? ये बच्चा यहाँ आया था, लेकिन जब ये हमें मिला था तो कोमा में था। 1.5 साल बेचारा कोमा में ही रहा। फिर क्या, हमने इसे अपने पास ही रख लिया अपने आश्रम में। बहुत अच्छे से इसका पालन पोषण किया, बहुत अच्छा ख्याल रखा था हमने इसका। फिर जब एक दिन इसे होश आया तो हमें पता लगा इसकी याददाश्त चली गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, पानी में जो बह गया था बेचारा। हमने बहुत उससे जानना चाहा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका परिवार कौन है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके गले में एक लॉकेट था। अब आप बता सकते हैं ये बच्चा कहाँ है? जी बिल्कुल। और अमृता, विधि का विधान देखो, उस आश्रम वाले ने जो हमें पता बताया ना, जिसने उस बच्चे को गोद लिया था, वो पता जानते हो किसका था? पता था शर्मा जी का। शर्मा जी उस बच्चे को आश्रम से गोद लेकर आए थे और उन्होंने ही कुणाल को सिद्ध का नाम दिया। अमृता, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा बेटा वापस आएगा, आज तुम्हारा भरोसा जीत गया अपने को। तुम जीत गई, तुम्हारा विश्वास जीत गया। हमारा कुंडल हमारे सामने है। थे ना तुम, माँ कहते नहीं थकते, और आज तुम हमारे सामने हो और हम क्यों दूर चले गए थे हमसे? इतनी दूर क्यों कहते कुनाल, क्यों कहते? पहले क्यों नहीं आए हमारे पास, पहले क्यों नहीं आए? तूने अब तक नहीं पहचाना हमें, हम माँ है तुम्हारी। एक बार माँ,